सोलह अक्टूबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी का जन्म दिवस पड़ता है आपका जन्म उन्नीस को दक्षिण के श्रीरंगम में हुआ 1968 में। उन्हें हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर में राज कपूर के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया और ड्रीम गर्ल के रूप में पदोन्नत किया गया जॉनी मेरा नाम नाइनटीन में मालिनी ने मुख्य भूमिका निभाई थी वन और लाल पत्थर 1971 जैसी बाद की फिल्मों में भूमिकाओं ने उन्हें एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया 1972 में उन्होंने सीता और गीता में धर्मेंद्र और संजीव कुमार के साथ दोहरी भूमिका निभाई जिसने उन्हें फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म तुम हसीन मैं जवान 1970 थी 23 दोनों ने 1980 में शादी कर ली फरवरी 2004 में हेमा मालिनी आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गई वह दो बार लोकसभा में चुनकर आ चुकी हैं। 17 अक्टूबर को दो प्रसिद्ध अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल और स्मिता पाटिल का जन्म दिवस पड़ता है सिमी का जन्म उन्नीस को तो स्मिता का जन्म उन्नीस सौ पचपन में हुआ दोनों अव्वल दर्जे की अभिनेत्री थी नजर आ चुकी सपनों सजाते रहना कहती हैं जी सरकार इस गांव में आदमी यहां पानी पीते जानवर सब वहां और कितनी बार बताना पड़ेगा उस बात का जिक्र तक खुशी मुझे कखक कुरेट कुरेट डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है तो मरने क्यों ले दिया मुझे क्यों वापस ले आए मेरी कमाई की जरूरत है इसीलिए ना 18 अक्टूबर को प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्म दिवस पड़ता है आपका जन्म 1950 को अंबाला में हुआ था उन्होंने थिएटर अभिनय का अध्ययन करने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश लिया उनकी पहली फिल्म चोर चोर छुप छुपजा थी जो बच्चों की फिल्म थी आक्रोश 1980 में पीड़ित आदिवासी जैसी कई अपरपरागत भूमिकाओं में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया अर्थ सत्य नाइनटीन में एक पुलिस निरीक्षक जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला व्यावसायिक हिंदी फिल्मों में उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं में द्रोहकाल इन कस्टडी नरसिम्हा घायल मृत्युदंड आस्था हे राम प्यार तो होना ही था फर्ज गदर लक्ष्य देव ट्वेंटी ओ फोर रंग दे बसंती सिंह इज किंग शामिल है उन्नीस अक्टूबर को प्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल का जन्म दिवस पड़ता है आपका जन्म उन्नीस को पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था धर्मेंद्र के पुत्र है उनका एक छोटा भाई बॉबी देओल है फिल्मों में प्रवेश अमृता सिंह के साथ बेताब 1983 में किया जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार नामांकन मिला इसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें उस समय के शीर्ष सितारों में से एक माना जाता है 19 अक्टूबर को एक जमाने की मशहूर अभिनेत्री नाज़ की पुण्यतिथि भी पड़ती है आपने अपना करियर बेबी नाज़ के तौर पर आरंभ किया था एक बाल कलाकार के रूप में उनकी सबसे याद की जाने वाली भूमिका आर के फिल्म की बूट पोलिश उन्नीस और बिमल रॉय की देवदास में थी वह एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में परिपक्व हुई और बहु बेगम कटी पतंग और सच्चा झूठा जहां उन्होंने राजेश खन्ना की शारीरिक रूप से विकलांग बहन की भूमिका निभाई जैसी फिल्मों में अच्छी भूमिकाएं हासिल की इक्कीस अक्टूबर को प्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म दिवस पड़ता है आपका जन्म 1931 को मुंबई में हुआ था आप पृथ्वीराज कपूर के पुत्र हैं और ग्रेट फिल्ममेकर राज कपूर के छोटे भाई थे उनका एक छोटा भाई शशि कपूर था फिल्मों में प्रवेश जीवन ज्योति 1953 में किया बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप फिल्मों में भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें तुमसा नहीं देखा 1957 के साथ सफलता मिली जिसने उन्हें एक स्टाइलिश प्लेबॉय और डांसर की छवि प्राप्त की और बाद में दिल देके देखो 1959 के साथ और अधिक पहचान हासिल की उन्होंने ब्लॉकबस्टर हिट जंगली 1961 के साथ व्यापक पहचान हासिल की इसके बाद उन्होंने 1960 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें उस समय के शीर्ष सितारों में से एक माना जाता था शम्मी कपूर ने 1955 में अभिनेत्री गीता बाली से शादी की जिनका कुछ सालों में ही देहांत हो गया 1968 में उन्हें ब्रह्मचारी के लिए अपने करियर का पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला 21 अक्टूबर को बॉलीवुड की अभिनेत्री सईदा खान की पुण्यतिथि पड़ती है अब साठ के दशक में सक्रिय थी आप ये जिंदगी कितनी हसीन है 1966 की फिल्म वासना 1968 तथा कन्यादान उन्नीस की फिल्म में काम कर चुकी है 22 अक्टूबर को बॉलीवुड के जाने माने कलाकार कादर खान का जन्म दिवस पड़ता है आपका जन्म उन्नीस में हुआ अभिनेता पटकथा लेखक हाँ अभिनेता और फिल्म निर्देशक रहे हैं वह 1970 से 1999 की अवधि में बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक शानदार पटकथा लेखक भी थे और उन्होंने 200 फिल्मों के लिए संवाद लिखे एक अभिनेता के रूप में वह 1973 की फिल्म दाग में अपनी पहली फिल्म के बाद 300 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दिए तो आपके घर के दरवाजे के बाहर किशन के छोटे-छोटे 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 टुकड़े पड़े हो भगवान के फजल से 22 अक्टूबर नेता देवेन वर्मा का जन्म दिवस पड़ता है आपका जन्म 1937 को मे कच्छ हुआ था उनके पिता राजस्थानी थे और मां कच्छ की थी उनके पिता एक फिल्म वितरक थे उन्होंने कला और विज्ञान के नौरोजी वाडिया कॉलेज पुणे विश्वविद्यालय नाइनटीन फिफ्टी थ्री में अध्ययन किया राजनीति और समाजशास्त्र में ऑनर्स के साथ स्नातक किया उन्होंने दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता अशोक कुमार की बेटी और प्रीति गांगुली की बहन रूपा गांगुली से शादी की उन्हें विशेष रूप से बासु चटर्जी ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार जैसे बॉलीवुड निर्देशकों के साथ उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता था उन्होंने बेशरम सहित फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया उन्होंने चोरी मेरा काम चोर के घर चोर और अंगूर के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता सिगरेट पी रहे हैं साहब अबे तू क्या कर रहा है मूलिया लेने आया था मूली दीदी कह रही थी कि मूली के, के पराठे बनाएगी क्योंकि प्रेमा कह रही थी कि जब भी आप नाराज होते हैं तो आपको मनाने के लिए दीदी मुली के पराठे अबे उल्लू के पट्टे ये प्रेमा कौन है और ये दीदी कहाँ से पैदा हो गए क्या क्या बात कर रहे हैं प्रेमा में भी 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 और दीदी आपकी भी भी। अक्टूबर को अभिनेता शफी नामदार का जन्म दिन पड़ता है वह सन उन्नीस में पैदा हुए थे उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म विजेता से की और इसे अर्ध सत्य में जारी रखा उन्होंने ये जो है जिंदगी सहित कई टेलीविजन धारावाहिकों में अभिनय किया 24 अक्टूबर को प्रसिद्ध अभिनेता जीवन का जन्म दिवस पड़ता है आपका जन्म 1915 को कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था उन्होंने 1950 के दशक की पौराणिक फिल्मों में कुल 49 बार नारद मुनि का किरदार निभाया था बाद में उन्होंने 1960, 1970 और 1980 के दशक की लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई उनके बेटे किरण कुमार एक फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है चौबीस अक्टूबर को प्रसिद्ध गायक मन्ना डे की पुण्यतिथि पड़ती है आपका देहांत तेरह को 94 साल की उम्र में बेंगलुरु के नारायण हृदयालय अस्पताल में 345 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे बहुमुखी और प्रसिद्ध गायकों में से एक माना जाता है पांच दशकों से अधिक के करियर में डे ने कुल थ्री गाने रिकॉर्ड किए हालांकि ज्यादातर मुख्य रूप से बंगाली और हिंदी में भोजपुरी, पंजाबी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, मलयालम और छत्तीसगढ़ी सहित चौदह अन्य भारतीय भाषाओं में भी गाया पचास से सत्तर के दशक के मध्य को उनके संगीत कैरियर का शिखर माना जाता था भारत सरकार ने उन्हें उन्नीस में पद्मश्री 2005 में पद्मभूषण और 2007 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया पच्चीस अक्टूबर को प्रसिद्ध गायिका शारदा और अभिनेत्री एवं निर्देशिका अपना सेन का जन्म दिवस है शारदा को सूरज नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में उनके गीत उदी के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है अपर्णा सेन को एक अभिनेत्री और फिल्म निर्माता के रूप में कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें नौ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पांच फिल्म अफेयर पुरस्कार और तेरह बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार शामिल हैं। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। 26 अक्टूबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री रवीना टंडन का जन्म दिवस पड़ता है उनका जन्म उन्नीस को मुंबई में एक फिल्म परिवार में हुआ था रवीना टंडन ने पत्थर के फूल 1991 फिल्म से शुरुआत की जो हिट रही उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए लक्ष्य का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला 1994 में मोहरा दिलवाले और लाडला जैसी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही फिल्म मोहरा में तो चीज बड़ी है मस्त मस्त गीत में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें मस्त मस्त गर्ल उपनाम दिया गया था फिल्म लाडला ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया उस वर्ष की उनकी अन्य रिलीज में सनी देओल के साथ थ्रिलर इम्तिहान और सैफ अली खान और अंदाज अपना अपना शामिल थे तीस अक्टूबर को प्रसिद्ध गायक अभिजीत भट्टाचार्य का जन्म दिवस है आपका जन्म उन्नीस को कानपुर में हुआ अभिजीत ने 1000 से ज्यादा फिल्मों में चौतीस गाने गाए हैं अभिजीत ने अपनी फिल्मों में शाहरुख खान पर फिल्माए गए कई गानों को आवाज दी जिनमें अशोक डुप्लीकेट और ओम शांति शामिल है 1994 में उन्होंने ये दिल लगी फूल और अंगार अंजाम राजा बाबू और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों के लिए प्रदर्शन किया 1997 में उन्होंने गाने के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता यस बॉस से मैं कोई ऐसी गीत गाऊँ अन्य फिल्मों में उन्होंने बादशाह दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रक्षक अंजाम डर जोश धड़कन जिद्दी बहुविकल्पी राज फिर भी दिल है हिंदुस्तानी खूबसूरत खिलाड़ी राज दिल लगी तुम बिन शामिल है तीस अक्टूबर को प्रसिद्ध अभिनेता विनोद मेहरा की पुण्यतिथि है आपका देहांत उन्नीस को दिल का दौरा पड़ने से 45 साल की उम्र में हुआ अपनी मृत्यु तक 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया वह निर्माता और निर्देशक भी थे उनकी मृत्यु के तीन साल बाद रिलीज हुई उनकी फिल्म गुरुदेव जिसका वह निर्देशन कर रहे थे विनोद मेहरा ने उन्नीस की फिल्म रागिनी में किशोर कुमार द्वारा निभाए गए चरित्र के छोटे संस्करण की भूमिका निभाते हुए एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की उन्होंने 1971 में फिल्म एक थी रीता के साथ एक वेस्क के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया जो तनुजा के साथ थी इसके बाद नवोदित योगिता बाली के साथ फिल्म पर्दे के पीछे आई उसके बाद एलान रेखा के साथ अमर प्रेम 1971 और लाल पत्थर हालांकि मौसमी चटर्जी के साथ शक्ति सामंत की अनुराग 1973 थी जिसने उन्हें इस रूप में स्थापित किया 30 अक्टूबर को प्रसिद्ध संगीतकार एस डी बर्मन की पुण्यतिथि है आपका देहांत 1975 को मुंबई में हुआ एस डी बर्मन फिल्म मिली के गीत बड़ी सुनी सुनी है जिसे किशोर कुमार द्वारा गाया था उसका का पूर्वाभ्यास करने के तुरंत बाद कोमा में चले गए जब सचिन दा को दौरा पड़ा तो किशोर अस्पताल गए और उनसे कहा दादा कृपया चिंता न करें आपकी रिकॉर्डिंग तीन दिनों के बाद है आप देखें कि कितना अच्छा यह गाना बनेगा यह गीत किशोर कुमार के सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक माना जाता है इस वीडियो में बस इतना ही आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें थैंक्स फॉर वॉचिंग